शूज़ वगैरह यहाँ पर सस्ते फर्स्ट कॉपी वाले, अगर आप बार्गेनिंग करके लोगे तो आपको 1500 में एक अच्छा सा शूज़ आएगा, मतलब 1500 रुपीज़ में एक प्रॉपर कॉपी, जो कि लगेगा नहीं कॉपी शूज़ है, बट अच्छे कंपनी का शूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1500 रुपीज़ में, जो कि इंडियन रुपीज़ में 100 रुपीज़ हो जाता है, मतलब 100 रुपये की आपको यहाँ पर आराम से कैप मिल जाएगी। और कैप्स की वैरायटी देख लो, अच्छी अच्छी वैरायटी, क्वालिटी भी बहुत सही नज़र आ रही है, और डिज़ाइंस भी देख लो। तो फिर मसाज पार्लर से आने के बाद मैं रेडी वगैरह हुआ और रेस्ट करने लगा था, तो अभी मैं बाहर निकला हूँ और रात का माहौल इतना बढ़िया हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आज है संडे यानी कि वीकेंड, और ये स्ट्रीट पूरी भरी हुई रहती है क्योंकि ये पार्टी वाला एरिया है जहाँ पर मैंने स्टे लिया है बफेलो हॉस्टल में। तो अभी मैं आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाता हूँ, और अभी ना मैं यहाँ के एक नाइट मार्केट में जाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हनोई का, तो अभी फटाफट वहाँ पर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक अंकल मस्त गिटार वगैरह बजा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ के नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने, जो कि शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और सस्ता भी है, तो जाकर देखते हैं कैसा है ये मार्केट। तो यहाँ की फेमस आइसक्रीम देख सकते हो, और उसी के बाजू में अभी मैं आ चुका हूँ, ये रहा एक कॉफ़ी शॉप ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नाइट मार्केट। Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. तो देख सकते हो इनके मार्केट में भी खुले आम नाइकी के शूज वगैरह जो फर्स्ट कॉपी होता है कैसे बेचते हैं ये लोग, मतलब आराम से ये लोग बेचते हैं। दिस इज़ द शूज। ये गर्ल्स के क्लोथ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, इन लोगों के पास वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये 60,000 डोंग में देख सकते हो कितनी मस्त पैंट आ रही है, मतलब शॉर्ट्स आ रही है अदिदास कंपनी की। देख सकते हो गुच्ची वगैरह के वॉलेट्स वगैरह कितने, ये देखो ये वाला, देखो ये वाला गुच्ची वाला, देखो बहुत सारी चीज़ें भाई। वियतनाम में कॉपी वाली, मतलब फर्स्ट कॉपी वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब सस्ते में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, प्राइस यहाँ पर कम तो है भाई। ये हैट्स देखो, मतलब कैप कितनी सुंदर है ना ये वाली, वाओ। ये साइड बैग्स देख सकते हो आप, जो लड़कियां पहनती है आजकल, ये फैशन बन रखा है, कितनी सारी डिजाइन्स है। ओ ये भी देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह। वाओ ये डिजाइनर क्लोथ देखो यार, वाओ ये वाला टी शर्ट देखो कितना मस्त लग रहा है, और ये वाली शॉर्ट्स, वाओ वाओ वाओ। ये बस 1,00,000 डोंग में भाई, ये वाला देखो आप कितना मस्त है, इस पर डिज़ाइन भी, बहुत सारे डिज़ाइन है इनके पास, वाओ। ये टी शर्ट मेरे को बहुत पसंद आया यार, इस पर ना देख सकते हो आगे ये चेन लगा है, और शॉर्ट्स भी देख सकते हो नीचे। वॉचेस भी है यहाँ पर अलग अलग टाइप की, ये देख सकते हो द नॉर्थ फेस, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पर मैं इनसे पूछ रहा था, तो देख सकते हो ये 550,000 डोंग की बता रहे, और ये वाला 400,000 डोंग, मतलब 4,00,000 डोंग। ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी ना उधर एकदम आगे तक, वहाँ तक ये मार्केट है, बट कपड़े बहुत ज़्यादा सही है और सस्ते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 30,000 में कैप्स मिल रहे हैं, 30,000 डोंग, जो कि इंडियन रुपीज़ में 100 रुपीज़ हो जाता है, मतलब 100 रुपये की आपको यहाँ पर आराम से कैप मिल जाएगी, और कैप्स की वैरायटी देख लो,
अच्छी अच्छी वैरायटी, क्वालिटी भी बहुत सही नज़र आ रही है यार, और डिज़ाइंस भी देख लो। I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, I could have gone so far. It hurts to realize. यहाँ पर ट्रॉली बैग्स भी रखी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर है ना, छोटी छोटी है, देखो कितनी छोटी सी बैग है इन बड़ी बैग्स के सामने। तो यहाँ पर ना लेडीज़ वाले पर्स एंड बैग्स मिल रही है 1 लाख डोंग, 1,20,000 डोंग, और जो सबसे महंगी वो है 2 लाख डोंग की, देख सकते हो। ये वाली देखो भाई, ये फर्स्ट कॉपी है, अगर ओरिजिनल लेने जाओगे तो बहुत महंगी आती है, तो ऐसे भी डिज़ाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये देखो एडिडास वाली, वाह मस्त है। तो लड़कियों के कपड़े हर जगह सस्ते ही मिल जाते भाई, ये देखो 30,000 डोंग यानी कि 100 रुपये में आ रहा है, ये भी देख सकते हो 30,000 डोंग, ये शॉर्ट्स लड़कियों की 100 रुपये, मतलब इंडियन रुपीस 100 में आ जाएगी। अब ये वाला सही लगा मुझे, 1,30,000 और 1,50,000 डोंग में ओवर साइज टी शर्ट्स। Hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. तो देख सकते हो नाइकी के एक बहुत सारे शूज़ है यहाँ पर, नाइकी हो गया, एडिडास, एलवी, वाओ ये बेल्ट्स देखो, बेल्ट्स और 59,000 डोंग में ये आपको ऐसी स्लीपर्स भी आ जाएगी यहाँ पर। इतने सारे शूज़ की शॉप भाई, एक हो रही है ख़त्म तो दूसरी चालू हो जाती है। ये वाला नाइकी का एडिशन देखो यार, कितना मस्त है ना, ये ब्लू वाला जो स्काई ब्लू कलर में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मस्त है यार। तो अभी चलते चलते मैं इतना आगे आ गया हूँ ना, फिर भी मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे बैठ कर डोरेमॉन्स बना रहे, बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, अभी इसको कलरिंग कर रहे हैं। और आज संडे जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा फुल है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है यार, ये बैग देखो, इसका डिज़ाइन देखो कितना सही है ना, और ये एडिडास वाला भी देखो यार, काश मैं थोड़ा कम सामान लाता तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जा सकता था। कपड़े वगैरह तो हमने देख ही लिए, यहाँ पर आपको देख सकते हो एयरपॉड्स, एप्पल की वॉचेस जो कि कॉपी है, वो भी सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। हाउ मच? 3 लाख डोंग का बोल रहे हैं ये एयरपॉड्स के लिए। देखो इस मार्केट में क्रॉक्स भी मिल रही है ब्रदर, फॉर द क्रॉक्स हाउ मच? फाइनल प्राइस, फाइनल तो 2,30,000 डोंग में देख सकते हो क्रॉक्स, तो आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको बताता हूँ ना कि इन लोगों के लिए 30,000 डोंग यानी कि हमारे जैसे 30 रुपीस में आता है ना एक सॉक्स का पेयर, तो उस हिसाब से इधर प्राइस होती है भाई। तो अगर आप इसको अभी कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में तो ये लगभग 100 रुपीस के करीब हो जाएगा एक पीस, बट इनके यहाँ पर 30,000 में मिल रहा है देख सकते हो, मतलब इनके लिए प्राइस सस्ता है बट हमारे लिए महंगा हो जाता है। ये देख सकते हो द नॉर्थ फेस के टी शर्ट्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे आते हैं ना 150 रुपये में, तो यहाँ पर एडिडास का आ जा रहा है देखो 1,50,000 डोंग में। तो भाई वियतनाम का मार्केट भी कवर कर लिया जो कि नाइट मार्केट था, यहाँ की मसाज भी कवर कर ली,
बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है मैंने वियतनाम में। और मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, शूज़ वगैरह यहाँ पर सस्ते फर्स्ट कॉपी वाले, अगर आप बार्गेनिंग करके लोगे तो आपको 1500 में एक अच्छा सा शूज़ आएगा, मतलब 1500 रुपीज़ में एक प्रॉपर कॉपी, जो कि लगेगा नहीं कॉपी शूज़ है बट अच्छे कंपनी का शूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1500 रुपीज़, मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगर आप बहुत लो बार्गेनिंग करोगे तो। अभी मैं जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि हनोई में मैंने आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं रुका हूँ उसी के बाजू में लगभग 10 मिनट का वॉक होता है, आप चल के आराम से जा सकते हो। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। यहाँ के लोग देख सकते हो कैसे मस्त पार्टी करते हैं वीकेंड्स में, और यहाँ पर जो लेडीज़ है यानी कि फीमेल्स है, मतलब यार छोटी छोटी लड़कियाँ भी यहाँ पर बियर दारू एकदम कॉमनली पीते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी इन लोग को कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कल्चर ही अलग फॉलो करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ देख सकते हो द ईस्ट लीस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में, जो कि हनोई में है, और इनका प्राइस रेट भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक लगा मुझे, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो आप मेन्यू और प्राइस देख लो एक बार तो आपको समझ जाएगा, यहाँ पर आपको टी भी मिल जाएगी, जैसे मसाला टी, जैसे हमारी चाय होती है ना वो सब चीज़ें, और देख सकते हो प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है यार। अभी मैंने चिकन फ्राइड राइस मंगाया जो कि 1,10,000 डोंग का है, ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। देख सकते हो अभी मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, तो ऐसा कुछ आया, क्वांटिटी अच्छी खासी है देख सकते हो, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया था, तो सोचा यहाँ से एक कोक लेकर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ना स्ट्रीट पर हूँ मैं अभी, तो स्ट्रीट पर देख सकते हो सब अल्कोहल वगैरह रखा हुआ है, और सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ पर क्या नज़र आई पता है आपको, स्नेक वाइन देख सकते हो, इसके अंदर स्नेक अगर आपको दिख रहा होगा तो।